वीडियो बनान पड़े बस वो ये बता दे वीडियो बना दे अरे बता दे तुम सब भाग जाओ रे नहीं अभी खुले बे बेटा वहाँ पे ना फ्रिज के पास में ना हाँ जहाँ कहाँ से बिल मिल हुआ बिल मिल नहीं है लो ये लाइट जला लेना नहीं थोड़ा उजाला हो जाएगा मोर कुछ नहीं क्यों ऐसा करिए जब कहीं मुझे वीडियो बना रहे यार जिससे क्या है उजाला इधर दादा इधर आओ आप एक मिनट आओ इधर नहीं नहीं बेटा जाओ वो तो अभी तो बैठा है नहीं जगह कहाँ तो ये हाँ इधर कर लो यहाँ कहाँ जगह टंकी की जगह नहीं नहीं है केवल देते कमरा में घुसकर तकिया लगाता है। अच्छा चलो बढ़िया रही तुमने पूरी व्यवस्था कर दी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरपंच मित्र डी के सैनी में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज नवरात्रा का पावन त्यौहार है और आज माँ जगदम्बे विराजमान होगी। तो दोस्तों आज ये भाई साहब ने काका जी ने हमें फ़ोन लगा के बताया कि इनके घर पर एक सांप बैठा हुआ है। आपका नाम बताइए। श्रीलाल मीना जी के यहाँ पे ग्राम गावरी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो भारतीय नाग बैठा हुआ छिपा हुआ। तो दोस्तों इनका ये फ्रिज रखा है और यहाँ एक अनाज की टंकी है, इसमें गेहूँ वगैरह भरे। हो सकता है ये चूहा खाने के लिए आया हुआ, तो अब हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आराम से अभियान बाहर निकाल लेंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं? आपको दर्शन करवा लेना, हम निकाल लेंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इसको छेड़ेंगे और इसको बाहर निकालेंगे ताकि ये आप देखिए देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा छिड़ने पर ये अपना फन बना लेता है। ये देखिए तो काफ़ी बिग साइज का है कोबरा इसने। अच्छा कितनी देर से देख रहे हैं आप लोग? एक घंटे से ऊपर, एक डेढ़ घंटे से ये बैठा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं जी अनाज है और इसमें से अनाज के चक्कर में चूहा आते हैं और चूहों के चक्कर में ये हमारे घरों में ये नाग आ जाते हैं। तो इसको हम बाकी तरफ निकालते हैं। ओह देख सकते हैं दोस्तों इसका कितना खतरनाक आक्रमण। देखो निकाल रहा है कुछ खारा का जी मनोज इसके लिए नहीं खा रहा है सही है वो मन से दिख नहीं खा रहा नीचे तक इसका कुछ ना खा रहा है दरवाजे यहां बहुत ही बार हां निशान कर ले जब हां जान कर है कहीं पर अरे छोड़ो मत अरे चले डांस करवा लो अरे मैं ये कर रहे हैं नहीं ये कहीं टीवी में देखूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको हमने बाहर की तरफ ले निकाल लिया है और अब हम इसको पैक करेंगे और इसको ले जाकर इसके पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जी हमने कैच कर लिया है इसको और बाहर की तरफ इसको लेके आ गए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये पूरा परिवार यहीं पे रहता है, इनका ये मकान था और ये ऐसे में ये सांप आ गया है तो इन लोगों को खतरा हुआ, तो इन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन लगा के बताया और मैं तुरंत आया और आकर इस सांप का रेस्क्यू किया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने सारी पूरा गाँव इकट्ठा हो गया है और अब हम इसको पैक करेंगे और इसको ले जाकर इसके पर्यावरण में रिलीज करेंगे।
लो मनो पला पला नहीं है भैया। तो अच्छा जा के बारे में आपका जानकारी ही आपके लाने गांव में कुछ क्या अच्छा हमको जानकारी होती तो बात की। चलो हमको ये जानकारी है कि दिनेश भैया बोला जानकारी दोस्तों मैं कुछ इस सांप के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। शांति बनाए रखें आप। तो ये हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसको हम भारतीय नाग कहते हैं, ठीक है, अपनी देसी भाषा में इसको नाग कहते हैं। और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विनम पाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। अगर ऐसा सांप काट ले कभी भी तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल भी न रहें, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन विनम पाया जाता है जो कि हमारी नाड़ी सिस्टम को बिल्कुल जाम कर देता है कि नहीं। जिससे क्या है कि अगर एक घंटे या 45 मिनट या 50 मिनट के भीतर अगर अपन हॉस्पिटल नहीं गए ना तो इस हिसाब से इतना मुश्किल होता है, ठीक है ना, एक घंटे 45 मिनट हाँ 45 मिनट। और इसके बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है, जो ये एंटी वेनम मिलते हैं इसके बिल्कुल मुफ्त लगता है कि नहीं। तो हॉस्पिटल यानी जिला गुना, मतलब गुना या फिर पहले तो अपने तहसील लेवल का जो हॉस्पिटल होता है अपना रावण हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले उस मरीज को ले जाओ ताकि वहाँ पे एंटी वेनम लग जाए और फिर वहाँ से वो रहकर गुना करते। लेकिन कोशिश ये करो कि देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ नाग है कितना प्यारा लग रहा है यार। अरे नहीं पन्ना जी आपको पहचान लिया उसने पहचान ला और जैसी डी आपके पास आ रहा यार। अरे हम नहीं जाएगा ये तो बहुत छेद आ गए। थोड़े और रुक जाओ महाराज चल रहा है बस अभी। इनको आप जंगल में ले जाएंगे, इसके वातावरण में इसके ये मास्क जो सर्वाइव कर ले अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट ले। अच्छा और क्या। तो दोस्तों इसको हमने अब रेस्क्यू तो कर ही लिया है और इसको हम पैक करते हैं और इसको ले जाकर इसके पर्यावरण में रिलीज करेंगे। और दोस्तों हमारा काम इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना, बहुत बढ़िया काम। तो अब हम इसको पैक कर रहे हैं, तभी इनके लिए तालियां बजाएं। डिब्बा या कैन हो कैन क्योंकि अरे वो क्या है कि जो बैग में रखते हैं ना थोड़ा ना खतरा होता है। सांप दूध पीते हैं क्या? नहीं सांप कभी भी दूध नहीं पीते, वो तो एक मजबूरी में पीते हैं दूध। सफेरे क्या करते हैं उनको पकड़कर लगभग इनके दांत और इसकी विष ग्रंथि निकाल के लगभग 10-15 दिन भूखा रखते हैं। इसके बाद में जब सांप के आगे कुछ भी रखेंगे अपन तो वो मजबूरी में पिएगा। आप पानी रख दो, दूध रख दो, गंदी नाली का पानी रख दो, स्प्राइट रख दो, कुछ भी रख दो, तो इसके मजबूरी में कोई भी लिक्विड रखो पीना पिएगा। इसलिए क्या है कि और ये सांप है ना कभी भी दूध नहीं पीते। और इनके अंदर क्या है कि किडनी लीवर नहीं होता जो उसको पाचन करे, है कि नहीं। अगर अपन ज़बरदस्ती इनको सांप को दूध पिलाएंगे तो ये इनको निमोनिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा और ये लगभग 8-10 दिन के भीतर खत्म हो जाएगा। मुकेश को टंकी में नहीं, वो ढक्कन में करा क्या चीज़ टंकी भाई में करो भाई इसमें कर दो एक दो एक ऑक्सीजन के लिए एक नहीं ज्यादा फूट जाएगी ऐसे भाई साहब ऐसे फूट जाएगी। ज़्यादा बड़ा मत कर दी तू कर जा बाबू। अरे सांप पकड़ रहा है सांप देख रहा है वो तो यार हम यार करते हैं तो कर ले लो यूट्यूब। हाँ हाँ तो असली हाँ।